मेलाज्मा का तो सॉल्यूशन ही क्रीमी होती है, आपको वो रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज प्रियश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ स्किन जिनी प्रोडक्ट्स के बारे में। और वेट, भागना मत, बिकॉज स्किन जिनी प्रोडक्ट के साथ आपको गिव अवे मिल जाएगा एंड गिव अवे के रूल्स जो है वो एंड में मिलेंगे एंड मंडे को विनर अनाउंस हो रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग के लिए खास करके होने वाला है। अब बात करते हैं कि स्किन जिनी क्रीम, अब जो है स्किन जिनी के सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है एंड अमेजोन के ऊपर ये सारे जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर अवेलेबल है। आप इनके अगर कॉम्बोज परचेज करते हो तो कॉम्बोज के अंदर आपको ज्यादा डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलेगा। तो गो विद द कॉम्बो। एंड इतने सारे लोग जो वेट कर रहे थे कि सीओडी परचेज करेंगे एंड कैसे करें, तो जाइए अमेजोन के ऊपर आप परचेज कीजिए। एंड सेकेंडली, इन चीजों का रिजल्ट 98% है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि आज परचेज करे, कल परचेज करे, वी कांट डू प्रीपेड और एनीथिंग, देन यू हैव टू गो एंड शॉप विद अमेजोन एंड अमेजोन के ऊपर आप डिस्काउंटेड रेट पर इसको परचेज कर सकते हो। प्लस कैशबैक के ऑफर्स भी आपको जो अमेजोन पर मिलते रहते हैं, तो डब्बा खोल के कुछ अगर आपको लीफलेट मिलता है तो वो भी चेक किया कीजिए, उसके अंदर कैशबैक के ऑफर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ा कीजिए एंड अमेजोन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको मिल जाएंगी एंड यू नो सब चीज़ें जो है डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है, दैट्स अ गुड पार्ट। एंड ऑल्सो पैन इंडिया ये लोग भेजते हैं, तो हर जगह से आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये जो वीडियो है कोलैबोरेशन विद माय हॉट स्टोर एंड सारे प्रोडक्ट अमेजोन से मिलते हैं, अमेजोन से आप परचेज कर सकते हो एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, दैट इज द ग्रेट थिंग। यू नो इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस एंड यू हैव टू स्पेंड दिस, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट उसका मिलने ही वाला है, दैट्स द ग्रेट पार्ट। ऑल्सो इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं आज बहुत अच्छे से रिव्यू करूंगी आप लोग के आगे एंड आपको बताऊंगी आप इसको कैसे डे टाइम एंड नाइट टाइम में इनकॉपरेट कर सकते हो, ताकि आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखे, अच्छी दिखे, ब्राइटन अप दिखे, सब कुछ अच्छा हो जाए आपकी स्किन के अंदर। ठीक है, मैं 7 साल से अपने स्किन को केयर कर रही हूँ, मुझे पता है कि कितना ही ज्यादा डिमोटिवेट होता है, अगर डिमोटिवेटिंग होता है कि अगर आप अपनी स्किन को जो ठीक नहीं रख पा रहे हो, आपकी स्किन खराब दिख रही हो, तो यू नो नॉट इवन लाइक अ पर्सन, आप अपने आप को शीशे में देखते हो तब भी आपको बुरा लग रहा होता है, दैट्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग कि आप इतना ज्यादा ग्रो करके आने, यू हैव टू एक्सेप्टेड द वे यू आर, बट आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट कीजिए, आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो जो आपको बाय बर्थ मिले हैं। अगर आपको पिंपल्स है, मलाजमा, वो आपको बाय बर्थ नहीं मिला, यू हैव टू डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ दिस एंड आप अपनी स्किन को ठीक रखना चाहते हो उस चीज के लिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हाथ पर हिलाने पड़ेंगे एंड चीजें ऐसी परचेज कीजिए, नॉट लाइक सीइंग लाइक लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ड्रग स्टोर प्रोडक्ट वो ये सो ऐसे करके मत लीजिए। आप अपना पैनी वहां पर स्पेंड कीजिए जहां पर आपका सबके रिजल्ट्स आप देख पा रहे हो। ठीक है, फंडेड से दूर रहिए एंड ऑथेंटिक पर ध्यान दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड देखते हैं कि कैसे मैं आपको डे टाइम एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बात करने वाली हूँ फेस वॉश की। फिर जब भी हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, वेदर इट्स डे टाइम स्किन केयर रूटीन एंड वेदर इट्स नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, वी हैव टू यूज समथिंग जो हमारे फेस को क्लीन करे, एक बेस क्रिएट करे। एंड यू कैन सी दैट मेरी अलग अलग कलर, बिकॉज मैं अभी बाहर काफी टाइम तक मैं दिल्ली में थी, तो उस टाइम वहां पे इतनी धूप थी ना बाबा, मेरा तो कलर ही चेंज हो गया, इवन मेरे पैर का भी। तो मैं इसको गेट रिड ऑफ करने में हूं एंड इट विल टेक लाइक 2 to 3 weeks विद सोप, तो डेफिनेटली मैं इसको जल्दी हटा लूंगी एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द क्रीम ऑल्सो। सो वेल, सबसे पहले हम फेस वॉश की बात करते हैं, तो ये है स्किन जिनी वुमन फेस वॉश, या फिर आप इसको सोप बोल सकते हो एंड डेफिनेटली दिस इज अ सोप बेसिकली। इसके जो इंग्रेडिएंट है वो कोरिया से इंपोर्ट किए गए थे एंड देन ये सोप बनाया गया है, और इसके जो है इसके अंदर ग्लूटाथायोन है, आरबियोटिन है, कोजिक एसिड है, विच आर द बेस्ट इंग्रेडिएंट। अब तो सारी कंपनियां करने लग गई हैं, बट तब कौन जान रहा था इंग्रेडिएंट को, अब तो सारी कंपनियां करने लग गई हैं, बट जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक ही है। ये जो सोप है इसको आप एज अ फेस वॉश एंड एज अ बॉडी वॉश यूज कर सकते हो एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, तो सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो आप वुमन यूज कीजिए स्किन जिनी वुमन सोप एंड उसके साथ अगर आपकी स्किन थोड़ा सा भी कुछ बेयर कर पाती है, बिकॉज ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप यूज कर सकते हैं मेन सोप। तो जो मेन सोप है वो भी बहुत अच्छा काम करता है, वुमन भी इसको यूज कर सकते हैं, मेन तो कर ही सकते हैं। मैंने खुद से यूज किया था, आई कैन फील दैट कि ये जो रिजल्ट है वो जल्दी देता है, और इसके कंकॉक्शन जो है बढ़े हुए थे, दैट इज व्हाई, बिकॉज मेन की स्किन थोड़ी हार्ड होती है, बट ये वुमन पे भी परफेक्टली काम करता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो। यू कैन वॉश योर फुल बॉडी एंड जहां पर भी आपको टैनिंग है, फेस पर टैनिंग है, बॉडी पर टैनिंग है, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। एंड अगर आप कोई ऐसी चीजें आपने खाई है पिछले टाइम पे, ग्लूटाथायोन और एनीथिंग, तो आप उसको ऐसा मेंटेन करने
करने के लिए भी इसको आप रेगुलरली रख सकते हो अपने उसके जो है अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, ठीक है। सो ये हमारे दो सोप हो गए, फर्स्ट हो गया स्किन जिनी वुमेन सोप एंड द स्किन जिनी मैन सोप। सुबह में हमने इससे वॉश कर लिया एंड देन वी हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर। उसके अंदर अगर सेरामाइड हो तो बहुत अच्छा है, कोजिक एसिड हो तो बहुत अच्छा है, नाइसिनमाइड हो तो बहुत अच्छा है। वी डू नॉट हैव टू अप्लाई लाइक अ सीरम, ये वो 50-60 चीजें। एक ऐसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिए जिसके अंदर 5% नाइसिनमाइड हो, 2% कोजिक एसिड हो, ये सारी चीजें हो, ताकि आपका एक बार अप्लाई करें एंड आप टाइम कटिंग कर ले और आपको पता भी चले कि भाई यही चीज अप्लाई कर रहे थे और इसी का तो रिजल्ट हमको मिल रहा है। हमने 5 चीजें अप्लाई करी है, हमको पता ही नहीं चल रहा कि किसका रिजल्ट मिल रहा है। हम यूट्यूबर्स वो कर सकते हैं, यू नो, आप रियलिस्टिक रहिए इस चीज के लिए। यूट्यूबर्स वो कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग, यू नो, तो हम कैसे उसको ट्राई करेंगे, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ स्किन जिनी कोजिक एसिड डेली डे क्रीम के बारे में। एंड इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, सब कुछ इसका अच्छा है। इट हैज़ नाइसिनमाइड प्लस कोजिक एसिड जो आपकी स्किन को, नाइसिनमाइड आपके ओपन पोर्स को कम करेगा, प्लम्प करेगा आपकी स्किन को, आपके हल्के फुल्के जो अगर पिंपल्स वगैरह आते हैं उसको भी कम करेगा, क्योंकि सीबम प्रोटेक्शन कम कर देता। प्लस इट हैज़ अ नरिशिंग इफेक्ट, इसके अंदर जो इमोलियंट है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ईजिली करता है। तो दो चीज़ें एक में ही आ गई, फेस वॉश हो गया हमारा, हमारा जो है मॉइस्चराइजर आ गया एंड एक कोजिक एसिड क्रीम, जो कि हम नाइट टाइम अगर हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट अपने स्किन के लिए कर रहे हैं जो कि हमारे डार्कनिंग, मेलाज्मा, हाइपरपिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन, दाग धब्बे, ब्लेमिशेस, पैचेस, ऐसे कुछ भी स्किन का टेक्स्चर, ऐसे किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कोई भी चीज़ रात को यूज़ कर रहे हैं तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। इवन अगर आप डर्मेट के पास भी जाते हो, दे हैव टू प्रोवाइड यू लाइक अ कोजिक एसिड क्रीम फॉर द डे टाइम, यू नो, तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही वही क्रीम है, ये कोजिक एसिड प्लस इसके अंदर मॉइस्चराइजेशन भी है। तो आपको अलग से दो चीजों के अंदर पैसा स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनके कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। एंड देन वी हैव टू यूज आर सनस्क्रीन, ओके गाइज। तो सनस्क्रीन इज अ वेरी वेरी मस्ट इफ यू आर गोइंग टू यूज स्किन जिनी क्रीम और एनी काइंड ऑफ स्किन ब्राइटनिंग लाइटनिंग क्रीम, तो आपको जो है सनस्क्रीन मस्ट है डे टाइम के अंदर। अपार्ट फ्रॉम कोजिक एसिड क्रीम, ये तो चलो मॉइस्चराइजेशन एंड स्किन को हील करने का काम करेगा, बट उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? तो सन से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करेंगे स्किन जिनी सनस्क्रीन। ये हमारा डे टाइम स्किन केयर 3-स्टेप डे टाइम स्किन केयर रूटीन बताया मैंने आपको। ये सनस्क्रीन इट इज SPF 50+, 500 मिनट का, आपको देखा PA++ है ये, तो UVA UVB दोनों प्रोटेक्शन है, प्लस व्हाइट कास्ट नहीं है, ग्रेइश इफेक्ट नहीं है, मॉइस्चराइजिंग है बट एट द सेम टाइम जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, तो सब लोगों के लिए परफेक्ट है ये। प्लस इट हैज अ विटामिन सी, तो विटामिन सी एजिंग स्पॉट्स को कम करता है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आप इसके अंदर डालिए। और एक चीज जो मैं आपको खरी बात बताने वाली हूँ, 5% से ज़्यादा विटामिन सी, आप मेरे को बात बताओ, 3% से ज़्यादा विटामिन सी, मैंने पीछे बैकएंड में काम किया है, 3% से ज़्यादा विटामिन सी अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो 20%, 25% ये सब बॉटल पे लिखने के लिए है, सच में नहीं होता ऐसा, ठीक है। 5% मैक्सिमम होता है विटामिन सी, ठीक है, तो उतना ही काम करता है विटामिन सी, अदरवाइज आपकी स्किन ही इरिटेट हो जाएगी विटामिन सी से। जैसे ही लेमन वेमन से इरिटेट हो जाती है डायरेक्टली अप्लाई कर, तो सेम गोज विद विटामिन सी, ओके। और ये आपको प्रोटेक्शन देगा, आपका डे टाइम स्किन हुआ कंप्लीट। एंड देन वी हैव टू गो टू द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। अब हम नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा फेस वॉश करेंगे, मेन सोप से कर लीजिए, वुमेन सोप से कर लीजिए, दोनों में से किसी से भी कर लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। एंड देन वी हैव टू यूज स्किन जिनी नाइट क्रीम। ओ माय गॉड, ये इस क्रीम ने धमाल मचाया हुआ है। टच आप लोगों का, गॉड ग्रेस एंड टचवुड सब लोगों की इतनी कृपा है कि ये क्रीम इतनी अच्छी काम करती है, ठीक है। सो ये जो क्रीम है, इनको आप जो है इसको भी आप कॉम्बो में ले सकते हो, इसको भी कॉम्बो में ले सकते हो, सबको कॉम्बो में ले सकते हो आप। ये आपको नाइट टाइम में अप्लाई करनी है आफ्टर फेस वॉश, ठीक है। फेस वॉश किया, देन यू हैव टू अप्लाई थिक लेयर। अगर आपने इसको काफी टाइम तक यूज कर लिया, देन यू हैव टू अप्लाई थिन लेयर, ओके। बट आपका नया नया है, देन यू हैव टू अप्लाई थिक लेयर। और थोड़ा पैच टेस्ट कर लीजिए, किसी को रेडनेस वगैरह होती है तो आप थोड़ा कम लगाइए एकदम से, मतलब ये मत सोचो कि आज लगाए अगले दिन ही रिजल्ट आ जाए, है ना। तो आप थोड़ा कम लगाओ, थोड़ा पैच टेस्ट गर्दन वर्दन पे कर लो या थोड़ा हल्का लगा के देख लो एक दिन कि अच्छा रेडनेस ज़्यादा बढ़ रही है तो हम उसको जो है कम करेंगे, हम थोड़ा कम लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लिया कीजिए आप अपनी तरफ से, हमको खुद ही ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। सो ये जो क्रीम है, ये सबसे पहले काम करती है आपके जो है आपका डिस्कलरेशन है, अगर आप बहुत टैनिंग हो गई है, अगर आपका स्किन काफी टाइम से अनइवन है, गर्दन ब्लैक है आपकी, कोहनियां ब्लैक है आपकी,
ऑलरेडी ब्लैक है आपकी, अगर आपको रोजेशिया वगैरह ऐसी चीज़ें करके रेडनेस और वहाँ पे एक इकट्ठी स्किन हो गई है और अब वो आपका वो ठीक हो गया है मेडिसिन से एंड देन यू हैव लाइक अ ब्लैक ब्लैक पैचेस, तो उसको ठीक करता है मेलाज्मा। मेलाज्मा का तो सोल्यूशन ही क्रीम ही होती है, आपको वो रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन हो गया हमारा, अनइवन स्किन टोन हो गई, माउथ का डिस्कलरेशन हो गया, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो गए हमारे, ब्लेमिशेज हो गए, डार्क गड्ढे हो गए। अगर आपके बहुत गहरे गड्ढे हैं तो डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल ही मना कर देती हूँ, गहरे गड्ढे आप नहीं ठीक कर सकते हो, लेजर ट्रीटमेंट से भी नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सेटिंग्स लेनी पड़ेंगी उसकी। बट अगर आपके स्मॉल गड्ढे हैं, हल्के इतना उभरे हुए नहीं है, तो वो यूज़ कीजिए। पिंपल्स भी काफ़ी हद तक ठीक करता है, इट हैज़ अ रेटिन जो कि आपकी स्किन की ऊपरी लेयर को साफ करके आपकी स्किन के रंगत को भी बेनिफिट दिखाता है, आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखेगा, आपको लाइटनिंग इफेक्ट दिखेगा, आपकी स्किन काफी ज्यादा चमकदार फील होगी, स्मूथ सरफेस देगा। बट एट द सेम टाइम ये सारी चीजें तभी काम करेंगी जब आप इसको रेगुलर इनकॉर्पोरेट करोगे, एक दिन दो दिन का काम नहीं है ये, स्किन केयर इज अ जर्नी। आपकी एज बढ़ रही है, आगे भी आप एजिंग होगे, मैं खुद बड़ी हो गई हूँ, 27 मैं इस बार 28 में लग जाऊंगी, ठीक है, तो मैं भी बड़ी हो रही हूँ, यू नो सब लोग बड़े हो रहे हैं, तो अब मैं अगर अपनी स्किन का केयर अपना बंद कर दूं, मैं ये चीजें कर देती हूँ स्टॉप, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली आई एम बैक टू पवेलियन। अगर मैं चीज, इवन आपको कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है, अगर आप वो केयर करना छोड़ दोगे, अगर आपको यू नो मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने डाइटिंग स्टार्ट कर दी, सब कुछ किया है मैंने अभी, ठीक है, आई एम डूइंग दी बेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं अगर उन सब चीज़ों को छोड़ दूंगी तो मैं वापस वहीं आ जाऊंगी जहां पर मुझे नहीं जाना है ऑब्वियसली। तो आई हैव टू डू दिस ऑल द टाइम, यू नो मेरे को स्किन केयर अपनी जर्नी ग्रेजुअली अपनी आगे आगे अच्छे अच्छे और अच्छी करते चली जानी, तो वाई आई एम, अगर मेरे को कोई चीज़ सूट करे तो मैं क्यों उसको बंद करूंगी, हमें नहीं करना है। एंड मेलाज्मा एंड दाग धब्बों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वापस आ जाते हैं, अगर आयरन एक्सेसिवनेस आपकी बॉडी के अंदर ही ऐसा कुछ है कि आपको जेनेटिकली इशू है कि आपको वो आ ही जाएगा, है ना, किसी को जेनेटिकली शुगर का इशू होता है वो आ ही जाता है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो प्लीज़ आपको क्रीम लगाना ही पड़ेगा। और आपकी स्किन अगर अच्छी होने स्टार्ट हो गई है तो टच वुड भगवान का सहारा लेके आप रेगुलर रखिए इस चीज को, ताकि आपको हमेशा लोग टोके कि आप क्या यूज कर रहे हो, है ना। एंड प्लीज शेयरिंग इज द केयरिंग, तो आप शेयर भी क्या कीजिए, कर्मा इज रिफ्लेक्ट बैक, आपके पास वापस आ जाएगा वो चीज, यू नो आप अगर किसी की मदद करोगे तो। सो वेल, ये जो सारे प्रोडक्ट आप यूज कीजिए एंड डेफिनेटली जितने अच्छे रिजल्ट है ना, रिव्यू आप देख सकते हो एंड डेफिनेटली इनके कूपन कोड्स भी आप देखा कीजिए, आपको आते हैं तो अमेजोन से आप परचेज कीजिए, डिस्काउंटेड रेट पर है, गो एंड चेक दिस आउट। एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आपकी कोई क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। एंड गिव अवे ये है कि 5 लोगों को जो है स्किन जीनी क्रीम एंड डे क्रीम जो है आपको मिलने वाली है। उसके रूल्स सिंपल हैं, आपको ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना है ये वाली, एंड जितना हो सके आपको कॉमेंट करना है, मतलब आप भर भर के कॉमेंट कीजिए क्रीम के रिगार्डिंग, हर एक चीज आपको जो करना है वो कीजिए एंड मुझे स्क्रीन शॉट भेज दीजिए सेम नंबर के ऊपर, ठीक है। सो आप डेफिनेटली ये कीजिए एंड गिव अवे के विनर हम मंडे को अनाउंस करेंगे, सो कल ही करेंगे हम अनाउंस इसको, ओके। सो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय।